नमस्कार, वेलकम टू इमोशनल वेलनेस सैटरडेज। आज यानी 6 से 12 सितंबर इस नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन वीक। सुसाइड के बारे में कुछ आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स जानते हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। एवरी ईयर अराउंड द ग्लोब अराउंड 8 लाख पीपल कमिट सुसाइड। 8 लाख लोग सुसाइड के कारण मरते हैं हर साल पूरी दुनिया में। उसमें से 17 से 20% यानी 1,35,000 1,50,000 लोग सिर्फ भारत में सुसाइड के कारण मरते हैं। 15 से लेके 39 साल की वयी में यानी 15 to 39 की एज ग्रुप में डेथ का सबसे बड़ा कारण ही सुसाइड। इट्स नॉट हेल्थ, इट्स नॉट एक्सीडेंट्स, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ इलनेसेस, इट्स सुसाइड। और इससे आगे बात करें तो 2007 से लेके अभी तक लास्ट 13 सालों में रिसर्च ने बताया है कि 10 से 14 साल की उम्र में वही में सुसाइड करने वाले लोगों यानी बच्चों, प्रैक्टिकली टॉकिंग अबाउट किड्स, का जो ग्रोथ हुआ, इट्स 178% ग्रोथ इन नंबर्स ऑफ सुसाइड इन द एज 10 to 14। तो कहीं ना कहीं दिस इज टू डिस्टर्बिंग, यू नो। ये 10 से 14 साल जब खेलने की उम्र है तब यू वी सी दिस इज हैपनिंग। ये एक जरिया है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, सुसाइड जो लोग करते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग इसके बारे में सोचते हैं, दे थिंक इट एज एन परमानेंट सॉल्यूशन बट टू द टेम्पररी प्रॉब्लम। वो ये नहीं समझते कि जिस प्रॉब्लम को लेकर उनको ये विचार आ रहे हैं वो टेम्पररी है, दिस टू शैल पास बाय, ये भी रहने वाला नहीं है। खास करके यंग एज में रिजेक्शन हो गया, फेलियर इन कॉलेज, एकेडमिक फेलियर हो गया, या सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक हुआ, सो दिस आर द कॉमन कॉजेज इन यंग एज एंड टीन एज फॉर सुसाइड। और दे डोंट अंडरस्टैंड के दिस हैपन्स बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर देम इन द लाइफ। दे हैव सीन रिजेक्शन, दे हैव सीन फेलियर, दे हैव सीन हार्ट ब्रेक फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, एंड दैट माइट टेक देम, वो उनको आराम से सुसाइड के लिए प्रेरित कर सकता है ये स्टेप। अगर बाकी कारणों की बात करें तो इट कुड बी लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस, बहुत लंबे समय से कोई फिजिकल पेन, या कोई व्यक्ति इमोशनल पेन से गुजर रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, सम काइंड ऑफ स्ट्रगल्स इन द रिलेशनशिप, दिस ऑल कुड बी द रीजंस ऑफ सुसाइड। बट प्रैक्टिकली डज सुसाइड नीड एनी रीजन? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वॉट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, इट्स अबाउट वॉट इज गोइंग ऑन इनसाइड, अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में। परिस्थिति बाहर कुछ भी हो, बाहर कैसे भी परिस्थिति हो, अगर अंदर सब क्लैरिटी है तो वो परिस्थिति मैनेज हो सकती है। सो इफ देर इज एन मेस इनसाइड, यू कैन ईजिली अनमेस इट। इफ दिस मैसेज गोज टू पीपल, इफ दिस मैसेज गोज टू एवरीबडी, then people can help others also and people can help themselves also. Remember, if there is a mess, it can be unmessed. So it's about internal reality, internal world. How do you perceive the world? It's not about the external reality. कभी कभी ये भी होता है कि बाहर सब ठीक होता है और फिर भी व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, they commit suicide and reason, तो it's unexplained because it has gone with that person. तो reason के कारण या reason के बिना, in both the cases it's too painful. Because somewhere suicide is nothing but an cry or desire for help. But तब तक बहुत देर हो गई होती है before somebody understands the person is gone. क्या कर सकते हैं? How can you see कि somebody is inching towards this? वो subtle signs होती हैं। जो लोग बोल पाते हैं, जो लोग कह पाते हैं, express कर पाते हैं, वो आराम से बच सकते हैं और शायद वो उस step तक पहुंचते ही नहीं है। बात यहाँ है जो लोग express नहीं कर पाते। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके वर्क प्लेस पे हम हर समय लोगों से घिरे रहते हैं और हम कैसे पहचानेंगे? देर आर फ्यू वेरी सटल साइंस टू इट। सबसे पहला चेंजेस इन द मूड, जो रूटीन मूड है व्यक्ति का रहता है, यू नो हाउ द पर्सन इज। हम लोगों से मिलते हैं, हम जानते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, वो रूटीन स्वभाव में आपको कोई चेंजेस दिख रहा है तो दैट इज वन फर्स्ट अलार्म। चेंजेस इन डाइट और एपेटाइट, खाना बहुत कम कर दिया या बहुत खाने लगे, इमोशनल ईटिंग भी कर रहा है व्यक्ति या बिल्कुल नहीं खा रहा है, दैट कुड बी ऑल्सो वन साइड, वन साइन विच इज दैट लीडिंग इंचिंग टूवर्ड्स दैट
डिटीरिएटेड मेंटल हेल्थ, उसके आगे अगर रोना बहुत आ रहा है, इरेशनल काइंड, कोई कारण बिना रो रहा है व्यक्ति एंड वो बस रोता ही जा रहा है, वीपिंग एक टेंडेंसी हो गई है उनकी, दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. लूजिंग वेट विदाउट एनी अपेरेंट रीजन, इलनेस नहीं है लेकिन लूजिंग वेट, दैट कुड बी अ सबकॉन्शियस थिंग व्हाट अ पर्सन इज सफरिंग थ्रू. ऐसे मामलों में कई बार देखा गया है कि कभी कभी व्यक्ति किसी को शेयर करने की या बात करने की ट्राई भी करते हैं, द प्रॉब्लम इज द इरिस्पॉन्सिबल रिएक्शन फ्रॉम द सोसाइटी. अगर कोई फ्रेंड या कलीग बात कर रहा है कि मुझे सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, तो तुरंत पीपल कट डाउन बैठ के ऐसे बेकार थॉट्स नहीं करने के, क्यों ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच ही मत, तो स्ट्रांग बन. कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कि देखो उसको तो इतना हो गया, उसने तो कुछ ऐसा किया नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा, तू क्यों सोच रहा है. सो इज इन क्रिटिसिज्म और कंपेरिजन इन्वॉल्व विद दैट पर्सन. अब तब वो व्यक्ति खुद इतना इमोशनली ड्रेन्ड या वीक होता है कि दे कैनॉट टेक दिस क्रिटिसिज्म और कंपेरिजन. सो प्लीज डोंट डू दैट. वॉट कैन यू डू? आप इनमें से कोई भी साइंस देखेंगे तो सबसे पहले ट्राई एंड अप्रोच देम, ट्राई एंड टॉक टू देम. वो बात कैसी होगी? तो बात होगी नॉन जजमेंटल वे में. लिसन टू लिसन एंड नॉट टू एडवाइस. सुनने के लिए सुने, एडवाइस करने के लिए ना सुने. क्योंकि हमारी आदत है जैसे ही कोई प्रॉब्लम कहता है वी स्टार्ट गिविंग सॉल्यूशंस. डोंट गिव सॉल्यूशंस, जस्ट लिसन टू देम. लिसन नॉन जजमेंटली. ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज शायद आपको ना अच्छी लगे, विच इज अगेंस्ट योर लाइफ वैल्यूज, बट लिसन टू देम राइट नाउ नॉन जजमेंटली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू. उनसे सुने, उनसे बात करें, स्पेंड सम मोर टाइम विद देम, उनके साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताए, एंड टेल देम व्हाट वैल्यू दे होल्ड इन योर लाइफ्स. आपकी जिंदगी में उनकी क्या अहमियत है वो उनको बताए. शायद वो एक्नॉलेजमेंट इमोशनल फुलफिलिंग में इतना काम करेगा को वो व्यक्ति उस जगह से, उस स्टेप से वापस हट सकता है. सो दिस कुड बी थिंग्स व्हाट यू कुड डू फॉर समबडी यू नो हैव थॉट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड, हाउएवर हैव ट्राइड सुसाइड. अगर आप उनमें से हैं जिनको ये विचार आते हैं या जो ऐसा सोच रहे हैं और या जिन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया है, अटेम्प्ट किया है सुसाइड का, व्हाट कैन यू डू फॉर योरसेल्फ? मेक अ कोड. सबसे पहली बात ये आप लिख लीजिए, जान लीजिए, वीडियो रिपीट करके देख लीजिए. मेक अ कोड. कोड माने क्या? कभी कभी क्या होता है कि जब ये लो फीलिंग या सुसाइडल थॉट्स बहुत ही हावी हो जाते हैं, तब आप इतने भी एनर्जी में नहीं रहते कि आप जाके लोगों से बात करें, आप जाके लोगों को बताएं अपने बारे में, वो भी नहीं चाहते. तभी एक शॉर्ट वर्ड, एक इमोजी, कुछ भी एक कोड आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव के साथ शेयर करके रखें. सिर्फ वो भेजने से उनको पता लगेगा कि यू आर गोइंग इन थ्रू अ लो फेज एंड दे कैन कम एंड गेट यू और दे कैन कम टू हेल्प यू. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू डू. क्योंकि शायद तभी मैसेज में या फोन करके बताना, that you require lot of courage. तो उससे अच्छा make a small code, share it with your relatives and friends, upon which they can get in touch with you. Second thing is try and be more aware about your feelings. आप खुद के बारे में थोड़ा ज्यादा समझने का प्रयत्न करें. आप क्या है, आप कैसे function कर रहे हैं, आपका mind कैसे function करता है. इसके लिए आपको diary writing बहुत help करेगा. काउंसलिंग में जितने पेशेंट्स मैं देखता हूं जो भी लो फीलिंग के साथ आते हैं, आई आस्क देम टू मेंटेन अ डायरी, अ जर्नल. जर्नल में एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, व्हाट एवर यू आर गोइंग थ्रू. मेक अ जर्नल वेर यू आर शेयरिंग और पुटिंग डाउन योर सक्सेस स्टोरी. सक्सेस स्टोरीज मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी सम ग्रेट एकेडमिक सक्सेस, इट्स अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स. छोटी छोटी चीजें जो आपको खुशी देती है, छोटी चीजें जो करने पर आपको लगेगा ओह आई फील गुड अबाउट इट, write that success things in your diary, write that fulfilling experiences in your diary, write that satisfying experiences in your diary. उस डायरी, उस जर्नल को आप हमेशा अपने साथ रखें, ताकि जैसे ही ये लो फीलिंग आती है आप खुल के उसको पढ़ते रहे, then you can get back to your brighter time or brighter side of you. Make an habit. एक habit करें, जैसे चलना हो गया या movie देखना या song सुनना, जिसके कारण आप इसमें से बाहर आ सकते हैं. तो जैसे ही आपको लगे यूर अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट लो फेज ऑफ योरसेल्फ, कीप डूइंग दैट. तो एक रिचुअल बना ले, एक हैबिट बना ले, एक रिचुअल बना ले अपने लिए, विच हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ दिस. वो आपकी हॉबी भी हो सकती है, सो दैट इट कम हेल्प्स यू कम आउट ऑफ दिस. रीच आउट टू पीपल, लोगों से बात करें. हेल्पलाइन, सुसाइड हेल्पलाइन के नंबर आपकी फास्ट डायलिंग में सेव करके रखिए. द नंबर्स हैव बीन शेयर्ड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. Go there, save that number from there into your
फोन बुक ऑन फास्ट डायलिंग नंबर, सो दैट कभी भी लगे तो नंबर ढूंढे नहीं जाने, यू कैन जस्ट डायल एंड टॉक टू द पर्सन, टू द काउंसलर, एंड दे मैन दे विल श्योरली हेल्प यू आउट ऑफ दिस. सो डू दिस थिंग्स एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ माइंडफुलनेस, चाहे योगा हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे कोई एक्सरसाइज हो, वॉट एवर मेक्स यू फील मोर कनेक्टेड टू योर सेल्फ, डू दैट. बिकॉज द मोमेंट यू आर डिस्कनेक्टेड वंस फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, अगर जिस समय आप इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो रहा है अंदर से, दैट इज अ डे यू विल एंड योर लाइफ. सो मेक प्रैक्टिस ऑफ थिंग्स विच कनेक्ट्स यू टू योर सेल्फ, कनेक्ट्स यू टू द वर्ल्ड, और दैट कनेक्शन वुड हेल्प. सो योगा, प्राणायाम, बेसिक एक्सरसाइजेस वुड हेल्प यू डू दिस. प्रैक्टिस सम मेडिटेशंस, प्रैक्टिस माइंडफुल मेडिटेशन, डाउनलोड अवेकन, AWAKEN, दैट्स एन वंडरफुल ऐप एंड इट्स अवेलेबल ऑन बोथ प्लेटफॉर्म्स, एंड यू कैन डाउनलोड दैट एंड यू विल गेट मेनी मेडिटेशंस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल फीलिंग्स ऑल्सो. सो गो डाउनलोड दैट फॉर योर सेल्फ. ऑलवेज रिमेंबर, इन सच केसेस वेन यू नो, मेडिकेशंस कैन ऑल्सो हेल्प, काउंसलर्स विल हेल्प. As a counselor, as a consultant homeopath, we have been seeing patients, we have been helping them throughout this emotional struggles. So, aapke nazdeeki homeopath doctor ka sampark kare, ya consult us for homeopathy and counseling. We will be happy to extend our help and get you out of this. Always remember, your life means a lot to yourself and to others. Thank you.